आई थिंक आप लोग एक बात से बहुत जल्दी अग्री करोगे कि डेटा साइंस को सीख पाना और उसको मास्टर कर पाना इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे क्या रीज़न है। मुझे लगता है कि देर आर टू प्राइमरी रीजन्स जिसकी वजह से डेटा साइंस सीखना आज की डेट में बहुत डिफिकल्ट है। रीज़न नंबर वन इज़ द करिकुलम। डेटा साइंस अगर आपको मास्टर करना है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, आपको प्रोग्रामिंग पढ़ना है, आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं, इतना करने के बाद आपको डीप लर्निंग पढ़ना है, NLP पढ़ना है। ये सब कुछ आसान नहीं है, इतना सारा चीज़ पढ़ना इज़ नॉट एट ऑल ईजी। दिस इज़ रीज़न नंबर वन। रीज़न नंबर टू जो उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है वो ये है कि बिकॉज देर इज़ सो मच मैथ्स इन्वॉल्व, कुछ टॉपिक्स जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं समझना। जैसे कि अगर आप बात करो SVM एल्गोरिदम की, या फिर PCA जैसे एल्गोरिदम की, या फिर पूरे के पूरे डीप लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन का आप बात करो, तो आप जब उसको पढ़ोगे ना, तो आप रियलाइज़ करोगे कि बिकॉज देर इज़ सो मच मैथ्स का डिपेंडेंस, वो टॉपिक को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ऐसा लगने लगता है कि क्या कोई इफ़ेक्टिव टेक्निक है जहाँ पे हम उसको इम्प्लीमेंट करें और डेटा साइंस को हम बहुत आसानी से समझ पाएँ। और ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा है पिछले कई दिनों से कि सर क्या आप कोई लर्निंग टेक्निक बता सकते हो जो आपका लर्निंग जर्नी को बहुत इफ़ेक्टिव बना दे। तो मुझे तो नहीं पता कोई इफ़ेक्टिव टेक्निक है या नहीं, बट मैं आपके साथ इस वीडियो में आज अपना खुद का लर्निंग टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको यूज़ करके मैंने इस चैनल पे 1000 डेटा साइंस वीडियोस बनाए हैं, और मुझे लगता है कि शायद वो लर्निंग टेक्निक आपको हेल्प कर सकती है। हाय, माय नेम इज़ नितिश, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मेरी लर्निंग टेक्निक को आप तीन स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो। सो लेट्स से मुझे कोई एक टॉपिक पढ़ना है डेटा साइंस में जो बहुत डिफिकल्ट है, तो लेट मी वॉक यू थ्रू कि मैं कैसे उस टॉपिक को अप्रोच करूँगा। सो स्टेप नंबर वन फॉर मी इज़ एक्सप्लोर, ठीक है। सो इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट आई डू इज़ कि जितना भी हो सके और जहाँ से भी हो सके, मैं उस टॉपिक के बारे में खूब सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करता हूँ। मतलब बहुत सिंपली पुट, व्हाट आई डू इज़ मैं गूगल पे जाता हूँ, उस टर्म को सर्च करता हूँ, जो टॉप रिजल्ट्स होते हैं मैं सारे रिजल्ट्स को ओपन करता हूँ और उन सबको पढ़ता हूँ। माइंड यू, पढ़ने के प्रोसेस में मेरा गोल ये नहीं होता कि मुझे समझना है, मैं बस पढ़ता हूँ, ठीक है। द होल आइडिया इज़ टू गैदर इनपुट्स, ठीक है। ये सेम काम मैं YouTube पे भी करता हूँ, मैं YouTube पे भी उस टॉपिक को सर्च करता हूँ, सारे जो अच्छे वीडियोज़ हैं आई गो थ्रू देम सारे के सारे। नॉट ओनली दैट, आई ऑल्सो फॉलो टेक्स्ट बुक्स। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं डीप लर्निंग का प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो ये सारी बुक्स जो हैं ये हमेशा मेरे टेबल पे रहती हैं। दिस बुक आई हैव देम ऑन माई टेबल ऑल द टाइम। द आइडिया इज़ वेरी सिंपल, जो भी टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में गूगल पे जाके वेबसाइट्स खोजो, यूट्यूब पे जाके वीडियोस खोजो, जितने टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें जा कर के पढ़ लो, बट सीखने के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए। द होल आइडिया ऑफ दिस स्टेप इज़ टू गैदर एज मच इन्फॉर्मेशन एज आई कैन, जो मुझे हेल्प करता है स्टेप नंबर टू में। स्टेप नंबर टू क्या है? सो मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था साइमन साइनेक का, द गोल्डन सर्कल ऑफ समथिंग, आई डोंट रिमेंबर, मैं लिंक कर दूंगा वीडियो के साथ। उस वीडियो में उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि ह्यूमंस चीज़ों को समझते कैसे हैं, परसीव कैसे करते हैं, उसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, वाई, वॉट, हाउ का। तो वो वीडियो आप देखना, बहुत ही शानदार वीडियो है। फॉर मी इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग वीडियो। जब से मैंने वो वीडियो देखा है, मैं हर चीज़ को समझने के लिए वॉट, why और how टेक्निक यूज़ करता हूँ। सो द होल आइडिया इज़, सेकेंड स्टेप में मैंने जो भी पढ़ा, मैंने फर्स्ट स्टेप में जो भी पढ़ा, सेकेंड स्टेप में मैं उसको अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ why, what एंड how। why का मतलब वो चीज़ एग्जिस्ट क्यों करती है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है। what का मतलब एक छोटा समरी क्या है उस चीज़ का, और how का मतलब स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ काम कैसे करती है। तो जैसे ही मैं इन तीन सेक्शंस में उस पूरी चीज़ को डिवाइड कर पाता हूँ ना, उसके बाद मैं मूव करता हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप में, जिसको बोला जाता है द रिचर्ड फाइनमैन लर्निंग टेक्निक। अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है, मैं आपको बताता हूँ। रिचर्ड फाइनमैन एक फिजिसिस्ट थे बहुत पहले, और उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, सो ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट टीचर। तो उन्होंने ये टेक्निक दिया था। इस टेक्निक में आपको क्या करना होता है कि कोई भी चीज़ जो आप समझ रहे होते हो, सीखने की कोशिश कर रहे होते हो,
आपको क्या करना होता है, आपको उसको किसी को समझाना होता है, और आपको किसी ऐसे आदमी को समझाना होता है जो छोटा बच्चा है या जिसको उस चीज़ के बारे में उतनी समझ नहीं है। सो व्हाट आई डू इज़ कि जैसे ही मैंने एक्सप्लोर किया सारा कुछ, व्हाट व्हाई हाउ में कन्वर्ट किया, उसके बाद आई इमेजिन माई सेल्फ इन अ क्लासरूम। मैं खुद को इमेजिन करता हूँ कि मैं क्लासरूम के अंदर हूँ जहाँ पे 100 बच्चे बैठे हुए हैं और मुझे बोला जा रहा है कि समझाओ वो टॉपिक। तो जो मैंने अभी सीखा है व्हाई व्हाट हाउ, उसको मैं उस क्लास में डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ इन माई इमेजिनेशन। ठीक है, ये जो रूम है यहीं पे मैं वॉक करते करते ये इमेजिनेशन करता हूँ और मैं बोलता हूँ, आई एक्चुअली स्पीक। ठीक है कि ओके दिस इज़ द टॉपिक, इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये प्रॉब्लम थी, होता क्या है, कैसे काम करता है, मैं सब कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे ही मैं ये बोलने की कोशिश करता हूँ ना, तो उस प्रोसेस में आई रियलाइज़ कि क्या चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई हैं, और फिर मैं वापस आता हूँ और उन चीज़ों के बारे में फिर से सर्च करता हूँ, फिर मैं वापस जाता हूँ और मैं फिर से उस क्लास में लेक्चर देने की कोशिश करता हूँ। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मेरा लेक्चर अब बहुत अच्छे से डिलीवर हो रहा है, तब तक मैं वापस आ करके अपने नॉलेज में जो भी प्लग होल्स हैं उनको मैं फिल करते रहता हूँ। ठीक है, इट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस। और एक बार जब मुझे लगता है कि हो गया सब कुछ क्लियर, उसके बाद मैं मूव करता हूँ लास्ट स्टेप में। मेरा लास्ट स्टेप है एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुका है टॉपिक का, अब उसके ऊपर आप थोड़ा एडिशनल नॉलेज और गैदर कर सकते हो। सो व्हाट आई डू इज़ कि अगर कोई बहुत टेक्निकल मैथमेटिकल टॉपिक है तो मैं उसके इर्द गिर्द एनिमेशंस सर्च करता हूँ गूगल के ऊपर, बिकॉज एनिमेशंस देख करके बहुत समझ में आता है, ग्राफ्स देख करके बहुत समझ में आता है। अगर ग्राफ्स एग्जिस्ट नहीं करते तो थैंक गॉड अब मुझे पाइथन इतना आता है कि मैं खुद से उस चीज़ का ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ, उसका एनिमेशन बना लेता हूँ, जो मुझे मेरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। एक और चीज़ जो मैं अपने नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए करता हूँ वो है, मैं तुरंत जो टॉपिक पढ़ता हूँ ना उसके ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करता हूँ। सो बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, ऑटोमेटिकली जो टॉपिक आप अभी पढ़ रहे हो ना उस पर आपको कुछ एडिशनल नॉलेज आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ माई लर्निंग टेक्निक। मैं आपके सामने एक बार फिर से समरी में सब कुछ बताता हूँ। स्टेप वन फॉर मी इज़ विदाउट थिंकिंग ऑफ द आउटकम, जस्ट एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब गूगल सर्च किया, यूट्यूब सर्च किया, किताबों में पढ़ा, बट पढ़ते टाइम ये प्रेशर नहीं ले रहा हूँ मैं कि मुझे समझ में आया या नहीं आया। स्टेप टू में मैं उसको ऑर्गेनाइज करता हूँ इन अ ब्रैकेट कॉल्ड वाई वॉट हाउ। एक नैरेटिव फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, एक स्टोरी फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ कि ये प्रॉब्लम था, ये सोल्यूशन है और ये ऐसे काम करता है। ठीक है, वो स्टोरी मेरी जैसी बन जाती है, मैं खुद को इमेजिन करता हूँ कि मैं एक क्लासरूम में खड़ा हूँ जहाँ पे बच्चे मुझे सुनना चाह रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, और मैं वो लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैं वो लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं आ रहा, जो भी चीज़ें मुझे नहीं आती है, मैं वापस आता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, वापस जाके उस क्लासरूम में उस लेक्चर को डिलीवर करता हूँ। और जब तक आई एम नॉट श्योर कि मेरा लेक्चर बहुत अच्छा जा रहा है एंड पीपल आर गिविंग मी स्टैंडिंग ओवेशन, तब तक मैं ये प्रोसेस रिपीट करता रहता हूँ। और एक बार जब मुझे लगता है कि यार मुझे एक बेसिक अच्छे से आ गया है, फिर मैं वापस अपने कंप्यूटर पे आता हूँ और मैं कुछ एडिशनल नॉलेज गेन करने की कोशिश करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ जिफ इमेजेस, एनिमेशंस, ग्राफ्स एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस। और इस सब कुछ करने के बाद एक लास्ट चीज़ जो मैं करता हूँ वो है डिलीवर आपके सामने उस वीडियो को मैं बना के रखता हूँ। तो वो वीडियो बनाने के प्रोसेस में भी थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ जाता है। वो यार हिंदी में एक चीज़ है ना, मेरा लर्निंग टेक्निक उसी पे बेस्ड है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मेरा लर्निंग टेक्निक इज़ दिस, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो आई नो शायद आप उतना इससे रिलेट ना कर पाओ, बट ट्रस्ट मी आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू टू थिंग्स। फर्स्ट, साइमन साइनेक का वो लेक्चर जहाँ पे उन्होंने वाई व्हाट हाउ के बारे में बताया है, और सेकंड, रिचर्ड फाइनमैन का जो लर्निंग प्रिंसिपल है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये दोनों एक बार पढ़ो, और अगर आप कन्विंस्ड हो तो आप मेरा लर्निंग टेक्निक एक बार यूज़ करके देखो कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सीखने में। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने आगे की लर्निंग जर्नी में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, इट हेल्प्स मी अलॉट। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।